गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू माई अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ आप कन्याकुमारी में, और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के एक्साइटेड होंगे गाइस कि ये दो दिन और दो रात का हमारा ट्रैवल होने वाला है। टोटल 48 आवर्स लगने वाले हैं, 48 to 50 आवर्स हमें यहाँ से दिल्ली तक पहुँचने में, कन्याकुमारी टू दिल्ली। जो कन्याकुमारी से तिरुकुरल एक्सप्रेस का खुलने का टाइम है वो है गाइस 7:05 शाम में। अभी 7:05 खुलेगी और अभी टाइम हो रहा है 6:52। अभी से तकरीबन 12 से 13 मिनट बाद ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी। और गाइज तो लगभग 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस हम इसमें आज इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो गाइज तैयार हो जाइए, एक नई खूबसूरत यात्रा आपका इंतजार कर रही है मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं आपको ट्रेन खुलने के बाद। बाय द वे ये हमारी ट्रेन गाइज तिरुकुरल एक्सप्रेस। और आपको बता दो गाइज इस ट्रेन में टोटल 18 कोचेज हैं, टोटल 18 कोचेज हैं, जिनमें से 2S स्लीपर, 3rd AC और 2nd AC है हमारा। और आपको अगर फेयर की बात करूँ तो आपको 2S का किराया 540 रुपये देना होता है, स्लीपर का किराया 870 रुपये देना होता है, 3rd AC का किराया आपको 2225 रुपीज़ पड़ेगा और 2nd AC का किराया आपको 3255 रुपीज़ पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है गाइस इस ट्रेन का फेयर। तो गाइस पूरी एक्साइटमेंट के साथ कन्याकुमारी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि 48 आवर्स इसमें काटने हमें, और बस नहाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने की दिक्कत नहीं है। खाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेशन आएंगे अभी आगे, तो वहाँ से हम खाने का बहुत कुछ ले सकते हैं। बट 48 आवर्स, दो दिन और दो रात का सफ़र एक ट्रेन में गाइस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बाय द वे गाइस अगर मैं इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात करूँ, टोटल 22 स्टॉपेज हैं, 22 स्टॉपेज है। और इसका जो रूट है गाइस जाने का वो कन्याकुमारी, नागरकोइल, मदुरई, चेन्नई एगमोर एंड नागपुर, भोपाल के रास्ते हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाती है। तो चलो अगर अभी जो अगला स्टेशन आने वाला गाइस वो है नागरकोइल जंक्शन, तो आपको नागरकोइल जंक्शन में मिलता है। तो गाइस अभी आए हम नागरकोइल जंक्शन पे, और नागरकोइल को इस जंक्शन से बोला जाता है गाइस क्योंकि यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आती हैं ज़्यादातर यहाँ से जाती हैं, जो भी लोकल ट्रेन चलती हैं मतलब हर एक जगह के लिए। कन्याकुमारी एक छोटा सा स्टेशन है बेसिकली, वहाँ से लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चलती हैं और अल्टरनेट डेज पे चलती है। जैसे ही हमारा तिरुकुरल एक्सप्रेस है ये बस दो दिन चलती है, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो अगर कोई मतलब कन्याकुमारी आना चाहता है उसको टिकट नहीं मिलती गाइस, तो वो यहाँ तक की टिकट बुक करे जो ये नागरकोइल जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से नागरकोइल जंक्शन से कन्याकुमारी जो है सिर्फ 19 to 20 किलोमीटर दूर है गाइस। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से बस या कोई भी ऑटो वगैरह बुक करके आप यहाँ से जा सकते हो आराम से कन्याकुमारी। तो चलो यहाँ से हमारी ट्रेन के खुलने का टाइम हो गया है, निकलते हैं यहाँ से आगे के जंक्शन की ओर, मिलते हैं आपसे आगे। स्वागत है आपका हमारे नई जर्नी में, नए दिन में आपका स्वागत है गाइस। विंड थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी उसके लिए सॉरी। और रात में हम पहुँचे थे नागरकोइल जंक्शन पे, और वहाँ पहुँचने के बाद गाइस मैं सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी एक्चुअली। तो वहाँ से आगे चलते चलते अभी मैं सुबह उठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ताम्बरम जंक्शन पे और एक्सप्रेस वगैरह हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ से आगे की जर्नी देखो, आगे चेन्नई एगमोर स्टेशन आने वाला है और वहाँ उतर के आपसे बात करेंगे। चल हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 8:22 और अभी हम पहुंचे चेन्नई एगमोर स्टेशन पे।
आपका स्वागत करता हूँ गाइज हमारी एक नई सुबह में, जो कि हमारी एक नई जर्नी है गाइज, कन्याकुमारी टू दिल्ली तिरुकुरल एक्सप्रेस में। ये हमारी ट्रेन है वो वाली, यहाँ से हमें हमारा जो ट्रेवल जर्नी का अभी 12 घंटे का हमने ट्रेवल जर्नी कम्प्लीट किया अपना, और टोटल हमारी जो जर्नी का जो वो है 48 आवर्स की। लास्ट आपने नाइट तक देखा होगा गाइज, तो मैं पहुँचा था नागरकोइल जंक्शन, उसके बाद आगे का मैं शूट करने के लिए जैसे बेड पे लेट मतलब आराम कर रहा था थोड़ा सा, और आराम करके मुझे नींद आ गई गाइज, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मैं सो गया। और अभी मैं उठा यहाँ पर भी चेन्नई एक मोड़ से पहले एक ताम्बरम जंक्शन आता है वहाँ पे, यहाँ पे हमारा 15 मिनट का हॉल्ट है गाइज, 15 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे फिर ये विजयवाड़ा पे रुकेगी जाके दोपहर में 3 बजे, तो यहाँ पे ही कुछ खाने वगैरह ले लेंगे हम। ऑलमोस्ट हमारा 5-6 मिनट बीत चुका है यहाँ पे बाहर स्टेशन पे, खाने का लेते हैं और ट्रेन में मिलते हैं आपको आगे। तो गाइज 15 मिनट के हॉल्ट के बाद चेन्नई एक मोड़ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है विजयवाड़ा के लिए, जो अगला स्टॉपेज आएगा हमारा वो है विजयवाड़ा जंक्शन, और वो पहुंचेगी 3:45 में। बहुत टाइम लगने वाला गाइज, अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, यहाँ से खुलने का टाइम था हमारा 8:45, तो यहाँ से खुल चुकी है हमारी ट्रेन अभी, और यहाँ से लॉन्ग जर्नी कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुँचेगी विजयवाड़ा जंक्शन पे, जो कि आंध्रा में आता है, वहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट रहेगा। चलो यहाँ से आगे आपको विजयवाड़ा में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे चेन्नई एगमोर पे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के लिए इडली वाला खरीदा है, वो भी चल के खाएंगे हम। चलो आगे मिलते हैं आपसे, आप यहाँ से आगे की जर्नी देखो विजयवाड़ा तक की। हाँ तो गाइज चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन के बाद हम अभी पहुँचने वाले हैं विजयवाड़ा स्टेशन, और विजयवाड़ा से अभी थोड़ी देर पहले हम रुके हुए हैं यहाँ पे एक जगह पे, और क्योंकि हमारी ट्रेन 8 से 10 मिनट लेट चल रही है तो इसका सिग्नल अभी ग्रीन नहीं किया गया है, विजयवाड़ा तक पहुँचते पहुँचते इसने 10 मिनट का डिले लिया है, और अभी इसका सिग्नल ग्रीन होने में टाइम लगेगा मे बी, लग रहा है 10 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। विजयवाड़ा से थोड़ी देर पहले कुछ स्टॉपेज होते हैं वहाँ पे रुके भी है, इसका सिग्नल अभी रेड करके रखा गया है, ग्रीन होगा उसके बाद हम विजयवाड़ा स्टेशन पर पहुँचेंगे, बाकी बातें वहाँ पे चल के करेंगे आपसे। चलो तो गाइज अभी पहुंच गए हम विजयवाड़ा गाइज, अभी 4:17 हो रहे हैं, 10 मिनट का होल्ड है यहाँ पे, 10 मिनट के बाद यहाँ से निकलेंगे हम, देखते हैं कुछ खाने का लेते हैं, केले वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे और समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं, कुछ खाने का लेते हैं भूख लग रही है क्योंकि, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम 10 मिनट के होल्ड के बाद। और यहाँ से जो अगला स्टेशन आएगा गाइज हमारा वो है इटारसी जंक्शन। हाँ तो गाइज हमारी ट्रेन का टाइम था विजयवाड़ा पहुँचने का 3:45 में, बट हमारी ट्रेन आधे घंटे के डिले के साथ पहुँची 4:24 पे, और अभी खुली है 4:34 पे हमारी ट्रेन, टोटल आधे घंटे के डिले के साथ, आधे घंटे 40 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन यहाँ से खुली है। और यहाँ से अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो है बलाड़सा, बलाड़सा पहुँचाने का टाइम है इसका 10:55 नाइट में, और उसका टाइम अभी शो हो रहा है 11:34-30 के आसपास, तो देखते हैं क्या ये अभी से लेके रात के 11 बजे तक ये टाइम जो आधे घंटा गैप से डिले लिया है इस ट्रेन ने वो कवर कर पाते हैं नहीं, देखते हैं हम। चलो आप यहाँ से बलाड़सा तक का रास्ता देखो, आपको यहाँ से डायरेक्ट आप बलाड़सा स्टेशन पर मिलेंगे। चलो
तो भाई हमारे यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, इन्होंने मुझे धनुषकोटी में देखा था। जब मैं धनुषकोटी गया था ना रामेश्वरम में, वहाँ से अरिचल मुनाई जो जगह है जहाँ से राम सेतु दिखता है, कहाँ पे राम सेतु वाली जगह पे देखा था, कहाँ पे देखा था, जहाँ पे वो बंजर बीच पे देखा था, अरिचल मुनाई जो है राम सेतु वाला, राम सेतु वाला पॉइंट है जहाँ पे इसको अरिचल मुनाई बोलते हैं, जहाँ पे हमारा भारतीय स्तंभ है, वहाँ पे देखा था इन्होंने मुझे ब्लॉग बनाते हुए रामेश्वरम में। और अभी जब कन्याकुमारी स्टेशन से आ रहा था ना, यहाँ पे भी मिल रहे, तो मैं सोचा था कि मिलवाता हूँ आपसे। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से विजयवाड़ा से और बलाशाह जंक्शन के लिए जा रहे हैं। 11:30 तक पहुँचेगी ट्रेन, आधे घंटे लेट चल रही है वैसे भी, अभी कहीं पर रुक रुक के चल रही है वैसे भी, और 108 की स्पीड से चल रही है, 108 की स्पीड से। और अपना नाम बता दो तुम। भावेश देख रहा ना, देख रहा ना तेरे नाम का बंदा मिल गया यहाँ पे वो हरिद्वार का है और ये भावेश है, ये नागपुर का। तो इन लोगों के साथ अभी ये लोग नागपुर उतर जाएंगे, रात में 2:30 के यहाँ तक पहुँचाएंगे अगर लेट जल्दी, वैसे 1:30 बजे पहुँचाने का टाइमिंग है नागपुर का, अगर लेट चाहिए तो 2:30 बजाएंगे आराम से, अगर कवर कर दे रात में तो अच्छी बात है, कवर करना चाहिए और गैप कवर करने का रहेगा, मजा आएगा फिर। अभी हम लोग चाय पी रहे थे, पानी पी रहे हम चाय, ये चाय नहीं पी रहा चाय। तो चलो इनके साथ चलते हैं आगे तक, ये रात में नागपुर पहुंचेंगे 2 बजे तक, अगर जगह रहा तो इनको बाय जरूर बोलेंगे उस टाइम। चलो यहाँ से बलाशाह तक का रास्ता देखो आप, सबकी आती नहीं और हमारी जाती नहीं, छोटे बच्ची हो क्या। भावेश कैसे भी खाने का टाइम हो गया और अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट कितना हो गया 7:50 हो गए, अभी खाना खाते हैं, ये एक नॉर्मल सा प्लेट है वेज आइटम है, ये खाते हैं और देखते हैं आपको इसका टेस्ट बता दे कैसा है। चलो, और ये होममेड है, ये होममेड है गाइस, और कुछ इस तरह की रोटी है गाइस, ये रोटी लग रहा है रोटी नहीं है ये रोटी है। चलो पहले खाते हैं उसका टेस्ट बताते हैं आपको हम लोग मिलके। सब्जी भी ऐसा नहीं खराब दिखेंगे, ठीक है खा सकते हो, अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी का टेस्ट भी अच्छा है, दाल में टेस्ट नहीं किया, दाल भी अच्छी होगा, रोटी ठीक लग रही है खाने में, बाकी खाते हैं। हाँ तो गाइस खाना खा लिया हमने और खाना खा के हम इधर आए थे घूमने के लिए, यहाँ पे हमारे साथ दो है, ये दोनों भी आए हुए हैं, आ जाओ। अब ये लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तुम कुछ कहना चाह रहे हो, बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई जिन्होंने बोल दिया प्लीज करते हैं, बहुत सपोर्ट मिलेगा मुझे, सपोर्ट करो गाइस प्लीज, अगर वीडियो में यहाँ तक कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार।